हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों मैं यहाँ पे अशरफ एंटरप्राइजेज में आया हुआ था। आपने अशरफ एंटरप्राइजेज की काफ़ी वीडियो मेरे चैनल पे देखी हुई है, तो मेरे को यहाँ दो तीन मेरे सब्सक्राइबर माल लेने के लिए आए हुए थे। मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ और उनसे बात करवाता हूँ वो कैसे आए, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, सारी चीज़ें मैं उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये भाई आए हुए हैं, अब मैं इनसे आपकी बात कराता हूँ। हेलो सर। हेलो, कहाँ से आए हो सर आप? सर मैं महाराष्ट्र बसमत से आया वाला हूँ। अच्छा, आप यहाँ क्या मेरा चैनल देख के आए थे? आपका यूट्यूब का चैनल देख के आया। ठीक है, तो सर ने आपको पहले क्या कैटलॉग वगैरह भेजा? कैटलॉग भेजा था, तो रिस्पांस आपको सही मिला? सही मिला रिस्पांस यहाँ पे आके। मतलब आपको जो कैटलॉग में दिखाया गया था और यहाँ पे आके आपको वही हाँ कैटलॉग में जो दिखाया था भाई ने एड्रेस वो सेंड कर रहे थे, मैं यहाँ आया, मेरे को वही चीज़ यहाँ मिली। आपने क्या क्या लिया? मैंने यहाँ स्पाइस पाउच लिया, बैंड सीलर मशीन लिया। ठीक है, और ये अच्छा ये स्टैंपिंग लिया। दोस्तों ये तो इनके पाउचेज हैं, ये पूरा बैग भरा हुआ है, और ये देखिए ये इनकी बैंड सीलर है। मैं आपको इनका बिल दिखाता हूँ, ये देखिए ये इनका बिल बना हुआ है, ये इन्होंने यहाँ से माल लिया है। तो जो आपको कैटलॉग में और फोन पे बताया गया था वो सारी चीजें आपको यहाँ से मिली? हाँ, वही चीज से मिली। आपकी पूरी संतुष्टि है यहाँ पे? हाँ, संतुष्टि है। ठीक, आप कहाँ से आए हो भाई? मैनपुरी से। मैनपुरी से? हाँ। आपने मेरी वीडियो देखी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो भाई ने जो आपको कैटलॉग वगैरह भेजी थी और यहाँ पे आके जो वहाँ पे जो प्राइस बताए थे और यहाँ पे आके वही प्राइस मिले? वही प्राइस है। आपने क्या क्या लिया? हमने अभी ले रहे हैं मशीन ले रहे हैं और ये पाउच वगैरह। पाउच और आपने वो स्टैंपिंग मशीन भी लिया? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा दोस्तों, इन्होंने भी मशीन ली है, पाउच लिए और स्टैंप के लिए मशीन ली है, ये सारी चीजें इन्होंने लिए। तो जो चीजें आपको वहाँ बताई गई थी, जो रेट बताए गए थे, सारी चीजें वो सारे वही रेट है, बिल्कुल संतुष्ट हो यहाँ के? हाँ जी, यहाँ पे आके। हाँ जी। आपको आने में यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, दिक्कत नहीं। क्या भाई ने या रिस्पॉन्स नहीं दिया हो, या फिर आपने व्हाट्सअप करा हो रिस्पॉन्स नहीं दिया हो, कॉल करी हो रिस्पॉन्स नहीं मिला? ना ना, भाई ने काफी सपोर्ट किया। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। दोस्तों आज मैं फिर से आपको अशरफ एंटरप्राइजेज के अंदर लेके आया हूँ, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि इनके पास आपको कितनी मशीनें मिलेंगी और उनसे आप अलग अलग तरीके से कैसे पैक कर सकते हैं। इनके पास आपको ऐसी ऐसी मशीनें मिलेगी जिससे आप अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड की तरह मार्केट में पेश कर सकते हो और उससे एक बहुत अच्छा मुनाफा कर सकते हो। आपको यहाँ पर ऐसी मशीनें भी मिलेंगी जिनसे आप रोजाना के 2 से 3 हज़ार रुपये कमाकर अपना एक अच्छा बिजनेस चला सकते हो। तो यहाँ के मशीनों की ज़्यादा जानकारी के लिए हम सर से बात करेंगे और इनसे बात करेंगे कि इनकी जो मशीनें हैं उनकी पूरी डिटेल क्या है। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिस में। तो एक बार फिर से अपना एड्रेस हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरी कंपनी का नाम है अशरफ एंटरप्राइजेस और मेरी कंपनी है दिल्ली में, जो नियर पड़ता है आपको इंदरलॉक, और इंदरलॉक मेट्रो पड़ता है नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। तो सर हमें बताइए मशीनों के बारे में, क्या कौन कौन सी मशीनें क्या काम करती हैं? आज हम 5 से 6 मशीनें दिखाएंगे आपको, जो 800 रुपये से लेके जो है आपको 18, 20, 30 हज़ार तक की मशीनें होंगी। तो पहली मैं मशीन लेके आया हूँ इस तरह की पाउच पैकिंग मशीन, अगर किसी को भी लड़ी और सिंगल पाउच पैकिंग करना हो तो इस तरह की मशीन हमारे पास आपको मिल जाएगी। इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है कि सिंगल फेस पे जो घर की बिजली होती है उस पर ये मशीन चल जाती है, ठीक है। और इस मशीन में आपको 1 साल की वारंटी मिलता है। हमारे पास इसमें 2 मॉडल है, एक ये मॉडल है, एक ये मॉडल है, तो आपको दोनों मॉडल मिल जाएगा। मैं आपको एक मशीन पहले करके दिखाता हूँ। ये जैसे हमारा लड़ी वाला पाउच है, ठीक है, इसमें आराम से कोई भी आइटम आप भर के, जैसे जीरा, लौंग, इलायची, काली मिर्च, कुछ भी आप भर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ लगाना है ऐसे, ये देखें, ये देखें, इस तरह से जो आपका पाउच सील हो जाता है अगर कोई भी प्रोडक्ट आप पैक करते हो तो इस मशीन में। इसके बाद आती है हमारी दूसरी मशीन, ये आपको होता है जैसे दोनों सेम है, बस इसमें क्या है स्टैंड वाली मशीन है। और ये इस मशीन का चार्ज क्या सर? इस मशीन का 18,000 रुपये है, जिसमें 1 साल की वारंटी है, ठीक है। उससे थोड़ा ऊपर आ जाता है, जब आप व्हाट्सअप करेंगे तो मैं इसका भी डिटेल आपको दे दूंगा। ये मशीन में क्या है कि आप इस तरह के पाउचेज, जैसे सिंगल में भी हो, लड़ी में भी हो, ठीक है, तो आप इसमें जो पैकिंग कर सकते हैं, ठीक है, इस मशीन को लिक्विड वगैरह पैक कर सकते हैं? हाँ, इसमें लिक्विड आइटम पैक कर सकते हैं, जैसे कोई गिरने वाला आइटम है आप इस तरह से पैकिंग करते हो, जैसे इसमें मैं देखो ये पाउच भी लग गया, ठीक है। और आपको मैं इस मशीन में आप करके दिखाता हूँ, ये वाली में कैसे ये पैक होता है।
तो ये हमारी दूसरी मॉडल वाली मशीन है। इसको आप 5 kg तक की कैपेसिटी होती है इसकी पैकिंग की। आप चाहो तो 2 ग्राम से लेके 5 kg तक पैकिंग कर सकते हो। इसको आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से, ठीक है, हाइट एडजस्ट कर सकते हो। पहले मैं आपको सिंगल करके दिखाता हूँ, इसमें सिंगल भी हो जाएगा, जैसे चाय पत्ती, अगर चाय पत्ती कर रहे हो आप, ठीक है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ये देखें, ये इस तरह से आप लगाएंगे, वो आइटम आपका जो है वहाँ से पैक होकर निकल जाएगा। आइटम अगर उसके पाउच के अंदर हो, जी जी, तो गिरेगा नहीं, इस हिसाब से हम पैक कर सकते हैं। जी, इस वाली मशीन में। अब जैसे मैं लड़ी करके आपको दिखाता हूँ, इसमें लड़ी भी हो जाता है आराम से। ये देखिए, इस तरह से आप जो आइटम ना गिरे, जी जी, अकेला बंदा अगर काम कर रहा है, इसमें लड़ी भी आपको पैक हो जाएगा इस तरीके से। तो सर, इनमें मतलब कितनी कितने किलो की कैपेसिटी होती है इनकी? इसकी 5 kg की होती है और इसकी आपकी जो है 3 kg तक कैपेसिटी होती है। जो खड़े में पाउच है, जी जी, उसमें 5 kg तक आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें हाइट एडजस्ट हो जाता है और इसमें आप जो 3 kg तक की पैकिंग कर सकते हो। अब हम दूसरी मशीन आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये इसको बोलते हैं इंडक्शन सीलिंग मशीन। ये बेसिक जैसे कोई ड्राई फ्रूट का काम कर रहा हो, काजू किशमिश का काम कर रहा हो, उसको इस तरह की पैकिंग में निकालना चाह रहा हो, ठीक है, और उस पर जो आपने देखा होगा फॉइल टाइप का सील होता है, तो ये इसी मशीन से सील होता है। इस मशीन से मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हमारा डब्बा है, ये डब्बा भी हमारे पास मिल जाएगा और इसके स्टिकर भी आपको जो हमारे पास ही प्रिंट हो जाएंगे। तो जैसे मैं आपको लिक्विड करके दिखाता हूँ, इससे समझ में आएगा कि इसमें बिल्कुल लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होती है। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने लिक्विड को पैक करके दिखाया जाएगा कि इसमें बिल्कुल भी लीक नहीं होगा। लिक्विड इसमें, लिक्विड डाला, आपको वीडियो में कोई कट नहीं मिलेगा। अब इसका ये ढक्कन हमने बंद करा, इसमें हमने फॉइल लगा दिया ढक्कन के अंदर, ठीक है। इस पे हम रखेंगे और एक क्लिक कर देंगे बस, ठीक है। अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखिए लिक्विड भी इसमें कितने अच्छे से पैक। इस तरह से आपका जो है फॉइल सीलर हो सकता है। फॉइल सीलर अगर मशीन किसी को रिक्वायरमेंट है तो इस तरह की मशीन ले सकते हैं हमसे। इस मशीन का सिर्फ रेट 11,000 रुपये है। इसका भी आपको हम 6 महीने रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं। उसके बाद मशीन कौन सी सर? नेक्स्ट मशीन हमारी जो है कोडिंग मशीन है। अगर किसी को भी जो एक्सपायरी डेट MRP वगैरह कोड करना हो तो मैनुअली इस तरह का आपको आता है, ठीक है। इस तरह से आप मैनुअल ले सकते हैं। इसका 2600 रुपये रेट है और इसकी भी 1 साल की वारंटी होती है इसके जो पार्ट्स की। अब मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ, एक ऑटोमेटिक कोडिंग मशीन है, ठीक है। अगर किसी को भी ऑटोमेटिक लेना हो और 18,000 से ऊपर का बजट हो तो इस तरह की ऑटोमेटिक ले सकते हैं, जिसमें टच स्क्रीन आपको मिलने वाला है और इसमें HP का कार्ट्रेज होता है जो 1 CR का आउटपुट देती है, ठीक है। पाँचवीं मशीन हम दिखाने वाले हैं आपको, इसको डिजिटल पैनल वाली बोलते हैं। जैसे मसाला हुआ आपका, कोई भी आपका पाउडर आइटम हुआ और आपको वेट करने की भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो इस मशीन से आप जो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें आप जो है 3 से 4 कैपेसिटी वाली मशीनें आती है, जैसे 1 ग्राम से आपको 100 ग्राम, 1 ग्राम से लेकर 200 ग्राम और उसके बाद आपका जो है एक ग्राम से आपका जो है 1 kg तक, इस तरह से आपको कैपेसिटी और ऊपर भी आती है, 5 kg तक भी आती है। तो अलग अलग रेट की मशीनें हैं, तो ये मशीन भी हमारे पास मिल जाएगा और ऑटोमेटिक सेंसर से चलने वाली मशीनें हैं। तो किसी को अगर ये मशीन की रिक्वायरमेंट हो तो हमारे पास आके डेमो लेके ये ले सकता है या ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगवा सकता जैसे है। जैसे लड़ियों में किसी को साबुत मसाले पैक करने हो, या पाउडर पैक करना हो, तो वो इस मशीन से आराम से पैक बिल्कुल आराम से कर सकता है। और काफ़ी लोग जो है ना हाथ से करते हैं या जुगाड़ लगा के करते हैं। मैं कहना चाहूँगा किसी को भी, अगर कोई भी बिजनेस कर रहा हो ना, अगर 10,000-15,000 आपका बजट है तो अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो अगर मशीनें लगती है तो लगाना चाहिए, इसलिए कि आपको इससे काम आसान हो जाता है और जब जितना आपका प्रोडक्शन होगा उसके हिसाब से ही आप जो है सेल कर पाएंगे। अगर जुगाड़ के सिस्टम में रहेंगे तो नहीं हो पाए। काफ़ी लोग जो लड़ी पाउच को जो है इस तरह के हैंड सीलिंग मशीन से सील करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है लड़ी कट भी जाता है और फिनिशिंग क्वालिटी नहीं आता है। इसलिए मैं कहूँगा इस तरह की आप मशीन लगाएं, इससे क्या रहेगा कि आपका लड़ी भी होगा और प्रोडक्शन भी होगा और क्वालिटी भी होगा। और मेहनत जितना आपको करना है तो वो मार्केट में करो, क्योंकि घर पे तो आपको बस प्रोडक्शन करना है, मेहनत मार्केट में करना चाहिए, घर पे नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई छोटे पाउच पैक करने हो तो वो आप इनसे पैक कर सकते हैं। हाँ, ये छोटे पाउच के लिए, सिंगल पाउच के लिए, जैसे स्टेपलर के लिए लोग काफ़ी जो पैकिंग के लिए उनको मशीनें की ज़रूरत होती है, तो ये भी आपको 1 साल वारंटी पे आपको मिल जाएगा। 8 इंची, 10 इंची, 12 इंची, अलग अलग तरह के आपको जो है इस तरह की मशीनें मिल जाएंगी। अब जैसे कि मैंने आपको मशीनें दिखाई हैं, क्योंकि मशीन के साथ अब रॉ मटेरियल ज़रूरी होता है, क्योंकि काफ़ी कंपनियां सिर्फ मशीन सेल करती है और रॉ मटेरियल पर ध्यान नहीं देती। रॉ मटेरियल जैसे कि आपको सीलिंग मशीन में, आपको इस तरह की मशीन में आपको जो है पाउच लगने वाला है,
तो हमारे पास अलग अलग तरीके का आपको लड़ी में भी पाउच है जिसमें हर कलर आपको मिल जाएगा। जैसे आप कोई ग्रीन कलर देख रहे होंगे मल्टीपर्पज है, 10 रुपये के हिसाब से आप पैकिंग के हिसाब से ये पाउच जो है ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे चाय पत्ती पैक करना है तो ये लड़ी में आप ले सकते हैं हमारे पास। इलायची पैक करना है तो इस तरह का आप ले सकते हैं। और सिंगल सिंगल जैसे पाउच पैक करना है तो इस तरह का आप ले सकते हैं। 50 ग्राम से मसाले में है और 100 ग्राम में आपको स्टार्टिंग हो जाता है ड्राई फ्रूट्स में, ठीक है। अगर किसी को काजू किशमिश लड़ी में पैक करना है तो इस तरह की ले सकते हैं जिसमें आपको एक तरफ से सिल्वर और एक तरफ से ट्रांसपेरेंट पाउच मिलने वाला, मल्टीपर्पज़ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ काफ़ी लोगों को कि जितनी भी मैंने मशीनें दिखाई हैं इस पर वारंटी भी मैं दे रहा हूँ, सर्विस भी दे रहा हूँ, प्लस आपको और उसके साथ साथ आपको जो है रॉ मटेरियल्स की भी सुविधा दे रहा हूँ कि रॉ मटेरियल्स के लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रॉ मटेरियल्स भी हमारे पास मिल जाएगा। जैसे आपको अगर ग्रीन पैड का पाउच चाहिए तो इस तरह का ग्रीन पैड का पाउच भी मिल जाएगा। जो स्क्रबर पैक है देख रहे हैं, स्क्रबर का पाउच भी मिल जाएगा, इसमें स्टील जूना आप पैक कर सकते हैं। और आपने कहीं से अगर पहले ही मशीन है आपके पास तो आप हमसे रॉ मटेरियल ले सकते हैं अलग अलग तरीके का। आप ये देख रहे होंगे अलग अलग तरीके का ग्रीन पैड्स है, इसकी भी एक आपको सेपरेट वीडियोज़ मिल जाएगी जिस पर आपको हर मटेरियल के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले आज मैंने आपको मशीनों दिखाई, अगली वीडियोज़ में आपको हम रॉ मटेरियल्स दिखाएंगे। वीडियोज अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आपको यहाँ पर हर तरीके का पाउच लड़ी और उससे रिलेटेड कोई भी रॉ मटेरियल आपको चाहिए आप पहले ही बता दीजिए, आपको सारी रॉ मटेरियल और सारी डिटेल मिल जाएगी। आप इनके दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं तो आपको पूरी कैटलॉग भेज दी जाएगी। यहाँ पर आपको इस तरीके के पाउच और सभी तरीके की जो भी मशीनें आपको दिखाई गई है ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अलग धमाकेदार बिजनेस आइडिया के साथ।